हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एचयूएल की बात करेंगे, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की बात करेंगे। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 2640 2645 के आसपास कारोबार कर रहा है, गिरावट है। ऊपर की लेवल पे इसने हाई बनाया था सितंबर के महीने में 2859 रुपया, वहाँ से एक तरह से मुनाफा वसूली हुई है और लगातार गिर रहा है दोस्तों। तो इसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। Q2 का रिजल्ट आना है दोस्तों 19 अक्टूबर में डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट हो सकता है। निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रखा है तो डिविडेंड भी मिलेगा। बट ये कि स्टॉक जो है स्लो मूवर है, धीरे धीरे एक तरह से देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है और FFCG का दिग्गज स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और स्टॉक देखिए पिछले साल लगभग 2000 के आसपास था और इसने जो हाई बना लिया है 2859। कहने का ये मीन्स है कि पिछले साल के अनुसार अगर हम स्टॉक को देखते तो ऊपर की तरफ ही है दोस्तों। सितंबर के महीने में एक बड़ा मूव आया था, उसके बाद इसमें तेजी रही, लगभग 2859 तक गया। जो कम समय के लिए ट्रेड लेते हैं तो उनको अच्छा एक मुनाफा बना। अब स्टॉक गिरावट में है, फिर से एक तरह से मौका दिख रहा है। ये मार्केट कैप की बात करते हैं तो 6,20,303 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 202 का है और EPS 34 का है दोस्तों। बट ये कि स्टॉक जो है धीरे धीरे एक तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, स्लो मूवर है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब स्टॉक में गिरावट है तो शॉर्ट टर्म के लिए एक तरह से ट्रेड बन सकता है। आइए चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह का मूव हुआ है पिछले एक दो महीने के अंदर। सितंबर में एक बड़ी तेजी आई थी दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। ये HUL का चार्ट लगा हुआ है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का और स्टॉक में एक तरह से गिरावट है, ऊपर की तरफ से मुनाफा वसूली हुई है। अब बियर्स आ भी हैं, एक तरह से देखिए बियरिश मोड है ये। और सितंबर के महीने में ही इसने हाई बनाया था 2859 रुपया और इसमें जो तेज़ी बनी थी लगभग 2393 2400 से भागकर अपना 52 वीक हाई ब्रेक किया और ऊपर की तरफ लगभग 2860 तक गया। अब एक तरह से देखिए ये नीचे की तरफ आया है, बेरिश मोड है, तो इसका जो लो है 2628.45 जो यहाँ पे एक तरह से ट्रेड कर रहे थे तो 2610 और 2600 के लेवल को जरूर ध्यान में रखिए। अगर इसके नीचे अगर फिसलता है और जिन्होंने यहाँ से अगर जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर चुके हैं ऊपर के लेवल पे तो एक तरह से ये बाय का मौका आना चाहिए दोस्तों, यहाँ या थोड़ा बहुत खरीदना चाहिए यहाँ पे। और ऊपर की तरफ का रेजिस्टेंस अब जो रहेगा एक तरह से, अभी स्टॉक प्राइस तो है 2640 के आसपास तो उसके अनुसार देखते हैं तो ऊपर का जो एक रेजिस्टेंस रहेगा 2676 का रहेगा और उसके बाद जो रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों ये एक यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ किया 2730 के आसपास रहेगा। 2727 के ऊपर अगर ट्रेड करेगा या क्लोजिंग देता है तो 2750 तक जाता हुआ दिखेगा आने वाले महीनों में, तो स्टॉक हमें लगभग 2790 और 2800 तक जाता हुआ दिखेगा। चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो एक तरह से बेरिश मोड है, नीचे की तरफ ये लुढ़का है स्टॉक और अगर ये नीचे की तरफ और आता है तो डेफिनेटली बाय करना चाहिए। जो यहाँ पे ट्रैप हुए हैं होल्ड करना चाहिए, जिनका मार्जिन में तो एक तरह से इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहिए अगर थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता है। और जिनके पोर्टफोलियो में है हिंदुस्तान यूनिलीवर तो डिविडेंड भी मिलेगा, सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट आ रहा है, होल्ड करना चाहिए। बट ये कि स्लो मूवर है दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात है कि स्लो मूवर है और पिछले साल इसने अप्रैल में हाई बनाया था, अब की बार सितंबर में हाई बनाया दोस्तों। ये स्टॉक अभी 2640 में है तो 2600 के लेवल को ध्यान रखना चाहिए, अगर फिसलता है डेफिनेटली इसको बाय करना चाहिए। और जिनके पास है जो लॉन्ग टर्म के लिए जिन्होंने रखा है डिविडेंड के लिए रखा है तो धीरे धीरे स्टॉक एक तरह से देखिए ऊपर की तरफ ही जा रहा है। और दूसरा इंडिकेटर देखिए एक तरह से देखिए ओवरबॉट की स्थिति हो गई थी ये और स्टॉक एक तरह से डाउन ट्रेंड में है और थोड़ा बहुत और गिरता है तो ओवरसोल्ड हो जाएगा, तब फिर इसमें फिर बाइंग आ जाएगी दोस्तों। थोड़ा बहुत अगर जंप भी करेगा अभी इस वक्त तो ऊपर के लेवल से सप्लाई आती रहेगी और गिरावट होती नीचे की तरफ दिखता है तो एक तरह से फिर बाउंस बैक होगा और अच्छा खासा लगभग 150-200 पॉइंट का। बट ये है कि अगर ये 2600 के नीचे मिलता है तो वो ज़्यादा बेहतर होगा दोस्तों। तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो चार्ट बना हुआ है प्रेजेंट टाइम के अनुसार है। सितंबर के महीने में एक बढ़िया तेज़ी आई थी, अक्टूबर के महीने में एक तरह से इसमें मुनाफा वसूली हुई है और स्टॉक अब बेरिश मोड में है, नीचे की तरफ दिखता है तो डेफिनेटली इसको अपने अनुसार देखना चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का रिजल्ट आ रहा है 19 अक्टूबर 2021 को और स्टॉक में गिरावट है, अगर और गिरता है स्टॉक डेफिनेटली इसको देखना चाहिए। YouTube चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।